आईपीएल के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के हो गए हैं। ऐसे में हमेशा ही फैंस के मन में ये सवाल रहता है कि धोनी के बाद आखिर कौन चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेगा। अब सीएसके के ही पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू ने इस सवाल का जवाब दिया है। अंबाती रायडू का मानना है कि मुंबई इंडियंस को बतौर 5 बार चैंपियन का खिताब जितवाने वाले रोहित शर्मा आगामी समय में चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर सकते हैं। अंबाती रायडू ने काफ़ी सोच समझ कर ये बयान दिया है। दरअसल रायडू का मानना है कि रोहित शर्मा का करियर अभी भी काफ़ी लंबा है, ऐसे में वो चाहते हैं कि रोहित आईपीएल 2025 का सीज़न चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलें। उन्होंने कहा, मैं रोहित शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साल 2025 में खेलते देखना चाहता हूँ। अगर एमएस रिटायरमेंट लेते हैं तो वो टीम को लीड भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आगामी आईपीएल 2024 के पहले मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को बड़ा झटका दिया था। दरअसल एमआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया है और अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को लीड करने वाले हैं। अंबाती रायडू का मानना है कि ये फैसला बहुत गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि रोहित अगले 5-6 साल तक आईपीएल खेल सकते हैं और अगर रोहित कप्तानी करना चाहें तो उनके लिए पूरी दुनिया खुली है जो कि आसानी से किसी भी टीम की कप्तानी कर सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि साल 2025 में आईपीएल मेगा ऑक्शन होने वाला है। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को नहीं चुनती तो किसी भी दूसरी फ्रेंचाइजी के पास हिटमैन को अपना बनाने का पूरा मौका होगा। रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने मुंबई को 5 बार चैंपियन का टाइटल दिलाया है और मौजूदा समय में वो इंडियन टीम के कप्तान भी हैं।